ये पहला आयरन होगा जिसमें पावर केबल ही नहीं है यूज करने के लिए। कितना हैंडी, कितना लाइट वेट, कितना बढ़िया आईस्यून का देर में। ये देखो, तो ये देखो सिर्फ 3 सेकंड में भी, मुश्किल से या 2 सेकंड के अंदर ये 380 पे आ गया। मतलब इसमें तो वायर ही नहीं है। वायर ही नहीं, वायरलेस है ये। हाँ, पूरा बैटरी का है। इसमें वायर ही नहीं है इस आयरन में। तो देखो जरा, ये तो आयरन की वायर है। ये देखो, मतलब एक पहला आयरन अब तक का जिसके अंदर वायर ही नहीं है। वायर ही नहीं है। हाय व्यूवर्स, कैसे आप सभी लोग। मैं देवतन गोपाल आ गया हूँ आज आपके सामने फिर से आईस्यून का एक प्रोडक्ट लेके। मुझे एक मिस्टीरियस बॉस आया है आईस्यून की तरफ से और जेसी आईडी वालों की तरफ से, जो कि एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। एक ही फर्म है पर दो अलग कंपनी है। तो अगर मैं बात करूं, आज मुझे इसमें से कोई एक आइटम आया है, मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने मुझे क्या भेजा है। हो सकता है कि इसके अंदर एक स्मार्ट डिजिटल असेंबली हो सकता है इसके अंदर एक स्मार्ट डिजिटल सोल्डिंग आयरन हो, या हो सकता है इसके अंदर एक माइक्रोस्कोप हो, कुछ भी हो सकता है। आईस्यून के प्रोडक्ट ना कमाल के प्रोडक्ट हैं और सच बता रहा हूँ, अभी मज़ा आने वाला है। आओ खोलते हैं इस मिस्टीरियस बॉस को। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है आईस्यून की। आप इनके सर्टिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं और इनके प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ पर। यह आईस्यून की सबसे हॉट प्रोडक्ट है। यहाँ H314 1400 वाट स्मार्ट हॉट एयरगन। मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन चाहता है कि मैं इसका एक रिव्यू डालूं। इसके साथ आप 320 आप देख सकते हैं, ये आयरन है स्मार्ट डिजिटल आयरन है। 380 पोर्टेबल सोल्डिंग आयरन H310D और 1000 वाट स्मार्ट हॉट एयर गन। यहाँ पर भी आप सकते हैं, इनकी जो आईस्यून की जो कंपनी है वो एक स्मार्ट डिजिटल कंपनी है। मतलब ये जो भी प्रोडक्ट बनाती है ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामेबल प्रोडक्ट बनाती है। आप देखो कि इसका हमने कितना पहले वीडियो डाले थे, P3208। आप देख सकते हो इसके डेस्कटॉप स्मार्ट फास्ट चार्जर भी आए थे, बैटरी कैलिब्रेट फॉर ड्यूअल चैनल, CNC मशीन जो आपकी जो चिप को ग्राइंडिंग करती है, और यहाँ पर ब्रश क्लीनर रिमूवल। तो ये काफ़ी बढ़िया एक यहाँ पर प्रोडक्ट है। आइए हम देखते हैं कि जो हमारे पास है इसमें आके है क्या। ये मिस्टीरियस बॉस है और मैं भी काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि भैया इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये इसका मेन पैकेट है और इस पर इंटेलिजेंट पावर सप्लाई, यहाँ से हमें ओपन करना है और हमारे पास आई है 380 पोर्टेबल स्मार्ट सोल्डिंग आयरन। तो कुछ पैकेजिंग इस तरह से आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख रहे हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लग मिलेगा जो कि आपके इंडिया के अंदर लग जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो वायर आ रहा है, अच्छा इसमें देखो आप टाइप सी केबल मिल रही है। तो एक तो मुझे प्लग मिला है, ये आईस्यून का कार्ड दिया है। तो इसमें आप इसको स्कैन द कोड फॉर व्यू द प्रोडक्ट मैनुअल, आप इसका मैनुअल यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब अलग से कोई मैनुअल बुक यहाँ पर नहीं है। यहाँ इसका हैंडल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पैकिंग कितनी अच्छी है और एक हर एक पैकिंग में उन्होंने अपना टैग यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल JBC जितना पतला कंपनी ने RN की ब्रांडिंग की है। ये इसकी बिट है, जो मुझे बिट भेजी गई है वो नाइफ बिट है। ये इसका क्वालिटी पास सर्टिफिकेट है। ये तो एक लैपटॉप जैसा चार्जर दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया है चार्जर मुझे यहाँ पर मिला है और इसी के लिए टाइप सी यहाँ पे केबल मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USB 96 वाट का, जो मेरे लैपटॉप को भी चार्ज कर देगा और काफ़ी हल्का है। मेन मशीन, इसको भी हम खोलते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ मिली है हमें, तो ये एक बैटरी है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो ये बैटरी भी हम देखेंगे कि कहाँ यूज़ होनी है। और
ये आपकी वायरिंग के लिए, जो आपके आरएन का वायर होता है काफ़ी लूज पुज हो जाता है, तो उसके लिए हमारी मशीन, मशीन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको बिट क्लीनर यहाँ पर पहले से दिखाई दे रहा है। ये आपके आरएन होल्डर है, यहाँ पे आपको आरएन लगाना है। प्लस यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है, कुछ बटन्स हैं यहाँ पर अप डाउन, और ये मेन मेन्यू के बटन है। यहाँ पे आपको जो आपके बिट हैं उनको निकालने के लिए उनके नंबर भी दिए हैं, 10 नंबर बिट, 45 और 10 नंबर बिट, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी बिट को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आईसीयून का अपने प्रोडक्ट की लोगो लगाया है, और यहाँ पर उसने बेसिकली अपनी डिटेलिंग दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्पेसिफिकेशन, ठीक है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज है इसका, और इसके अंदर जो हैंडल की कंपैटिबिलिटी है वो T210 और T115 है। PD और QC चार्जेबल प्रोटोकॉल, मतलब इसके साथ ये आता है, और 80 वाट जो कि मुझे 95 वाट का मिला है, और चार्ज वोल्टेज 9 to 15। सो आप देख रहे हैं कि ये पहला स्मार्ट मैंने अब तक आरएन अपनी लाइफ में देखा है जो चार्जर से ऑन होता है। तो मैं ये सोच रहा था इसकी पावर केबल कहाँ है, तो इसकी पावर केबल नहीं है, ये एक्चुअली बैटरी बेस आरएन है। आप देख सकते हो, मतलब आप ये आरएन जो इतना स्मार्ट है, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, यहाँ आपको इसको अप डाउन करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट मिला है एक डिब्बे के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैटरी है जो कि इसके बैटरी के लिए इसके यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और ये एक बैटरी बेस आरएन है जिसको चार्ज करने के लिए आपको देखो एक अलग से एक्सटर्नल चार्जर भी मिल रहा है। केबल की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और मेरे ख्याल से 1 मीटर की ये केबल है, 1 या 2 मीटर की केबल है, खुलने पे पता चलेगा। ये प्लग एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके साथ, ये इसका हैंडल है, जो कि कंपेटिबिलिटी है T210 और T115। ये आपके वायर के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, और ये आपकी बिट दी हुई है। तो टोटल ले दे के आपको ये सारा सामान देखने को मिलेगा। इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, फिर इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और इसको देखिए कि इसके कितनी सेकंड में ये गर्म होता है, फिर मैं इसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे परचेस करना है कि नहीं करना है। सर इंस्टॉल करो, तो ये हमारे साथ में एक आयरन है, स्पेशल सिम का आयरन है ये, और हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और इसको पावर प्लग इन करने के लिए हमको एक बैटरी की ज़रूरत होती है, और हम ये बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। लगिन हुआ, इसे ऑन हो गया ये। तो देखो सर, ये ऑन हो चुका है, प्लीज प्लग इन हैंडल। सो अभी हम बाद में, हाँ पहले हम इसका पीछे का पूरा ढक्कन वक्कन लगा के वो लगा लेंगे, और अब हम सबसे पहले इसके अंदर आरएन को सेट करेंगे। आरएन सेट करो सर जी, इसको हैंडल को सेट करेंगे, और हैंडल का हमारा है जो टाइप है वो T210, जैसा आप सब जानते हैं इसका जो, इसको हम JVC में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें 3 यूज़ कर सकते हैं, 2 और सगुन में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 245 और C115 में यूज़ कर सकते हैं। सर हमको बिट लगाना पड़ेगी, नेक्स्ट है हमारे पास बिट, ये हमको बिट लगाना पड़ेगी। बिट हमारे पास नाइफ आई है, नाइफ बिट है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, टच टू वर्क, ठीक है सर। ये देखिए, एक मिनट, इसको यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है सर। उसको हम ए बिट सर, उसको हम सेट करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 380 करता हूँ। अब MD सर रखिए उस पर, देखिए कितनी सेकंड, ये देखिए, तो ये स्लीप मोड पे जा रहा है, मतलब इसमें तो वायर ही नहीं है। वायर ही नहीं, वायरलेस ही है, पूरा बैटरी का है, इसमें वायर ही नहीं है ऐसे आरएन में। तो देखा जरा, ये तो आरएन की वायर है, ये देखो, मतलब एक पहला आरएन अब तक का जिसके अंदर वायर ही नहीं है, वायर ही नहीं, और वो भी इतना स्मार्ट, एकदम एक एडवांस कार के जैसे दिखाई दे रहा है इसका शेप बिल्कुल। क्यों
सर ये 1,00,000 रुपए के आयरन के कॉन्सेप्ट में बना है, जेबीसी के कॉन्सेप्ट में बना है। हाँ, और ये सिर्फ चार्जर है इसका, इसको चार्ज करने के लिए। जरा चार्जर भी यूज़ करो जरा। जी सर। तो आयरन को चार्ज करने के लिए चार्जर दिया हुआ है भाई आयरन को, क्योंकि इसकी बैटरी का बैकअप बहुत है वैसे। हाँ। मैं आपको, मैंने क्या बोला कि मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा ऐसे नहीं, और इसका रिव्यू वीडियो दूंगा एक आईफोन के अंदर, एक एंड्रॉयड के अंदर, क्लीनिंग किट जैसे। इसका सीट आई सी टाइप हम यहाँ लगा देते हैं, ये टाइप सी यहाँ पे लगेगा। केबल भी अच्छी है इसकी, टाइप सी टू टाइप सी है। और चार्जर भी अच्छा है, वहाँ पे लगा लो अभी फिलहाल। यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ लगाने के बाद हम इसको, ये देखिए जैसे लगाया तो यहाँ पर चार्जिंग चालू हो गई। उंगली कर, उंगली से दिखाओ चार्जिंग कहाँ चालू हो रही है। ये देखो 40°C के आगे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हाँ सर, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये बैटरी इंडिकेटर भी है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं अपन, बैटरी इंडिकेटर है। ठीक है, तो सर अभी स्लीप मोड पे है, चांद बन गया है बिल्कुल। अब इसको निकालो जरा, देखो कितनी देर में। ये देखो, तो ये देखो सिर्फ 3 सेकंड में भी मुश्किल से, या 2 सेकंड के अंदर ये 380 पे आ गया। ठीक है, और हम इसको यूज़ करेंगे, बट अभी यूज़ नहीं बताएंगे। जैसे मैंने बताया इसका सेकंड वीडियो है। अब इसका हैंडल लगाएंगे, हैंडल लगाओ सर। जी जी, जब हम काम करते हैं तो हमको दिक्कत जाती है इसको। और अब ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जितने वायर की ज़रूरत है हमको निकालने। तो ये वायर एडजस्टमेंट हैंडल है, राइट? राइट सर। पास आया है यहाँ पे 380 पोर्टेबल स्मार्ट फोल्डिंग आयरन। आप देखो ये पहला आयरन होगा जिसमें पावर केबल ही नहीं है यूज़ करने के लिए। कितना हैंडी, कितना लाइट वेट, कितना बढ़िया आईस्यून का। और ये कितने का क्या प्रोडक्ट है होने वाला है, ये मैं आपको 2 डीलर के नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। एक जेडएक्स मलिक आईसीयू के लिए दिल्ली में, और एक रामराज टूल भोपाल। ठीक है, आप अगर रामराज टूल से परचेस कर सकते करते हैं तो आप बेस्ट है उनसे कीजिए। अगर आप जेडएक्स मलिक सेल से परचेस करते हैं तो उनसे कीजिए। दोनों के नंबर मैं नीचे डाल दूँगा, और दोनों डीलर के नंबर, और जिनसे आपको ये प्रोडक्ट ईजिली मिल जाएगा। और क्या कॉस्टिंग होने वाली है ये आपके मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इसकी कॉस्टिंग अराउंड पता नहीं है, बट इसकी कॉस्टिंग बहुत ही सस्ती है। ये एक सस्ता आयरन होने वाला है, बहुत महंगा होने नहीं वाला। एक ऐसा आयरन जिसमें पावर केबल नहीं है, मतलब देखने में काफ़ी लाइट वेट है, और विद इन 2 सेकेंड के अंदर ये अपने जो हीट है उस पर आ जाता है, जो हीट को रीच कर लेता है, और काफ़ी लाइट है, एक JVC का फीलिंग दे रहा है। तो आपको भी अगर ये आयरन चाहिए तो आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट अभी ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। ठीक है, हम इस आयरन का जो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तकरीबन 2 दिन के बाद, फिर से आप मेरा ये वीडियो देखेंगे जिसमें मैं इसको यूज़ करते हुए बताऊंगा और टेक्निकल रिव्यू दूंगा। अभी तो मैंने एक नॉर्मल यूट्यूबर जैसे एक अनबॉक्सिंग की है और आपके सामने वीडियो डाला है, और अब इसके बाद मैं टेक्नीशियन या टीचर बनके इसका सही रिव्यू दूंगा।